फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के हमारे टॉपिक हैं जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, जो कि किसी भी लिक्विड का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। आपने अक्सर अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि जब किसी चिकनाई वाली सरफेस पर पानी की बूंद डाली जाती है तो वो उस प्लेट पर फैलने के बजाय सिकुड़ कर गोलाकार हो जाती है अथवा अंडाकार हो जाती है। और कभी कभी आप देखते हैं कि ऐसी नॉर्मल कांच की प्लेट पड़ी हो तो वो पानी की बूंद प्लेट पर सिंपली फैल जाती है। तो दोनों ही केस में ऐसा क्या परिवर्तन हो जाता है कि जिसकी वजह से जो द्रव की बूंदें हैं वो अलग अलग शेप को निर्धारित कर लेती हैं। तो इन घटनाओं से ये एकदम साफ क्लियर हो जाता है कि जो लिक्विड्स का बिहेवियर है वो केवल और केवल गुरुत्वीय बल या भार से ही नियंत्रित नहीं होता है, अथवा उसके ऊपर ये सर्टेनली कोई ना कोई एक अतिरिक्त बल भी काम करता है जो कि द्रव और उसके कॉन्टैक्ट प्लेन की प्रवृत्ति या उसके नेचर पर डिपेंड करना है। तो इस प्रकार से ये जो द्रव का प्रॉपर्टी होती है कि कम से कम क्षेत्रफल में रहना चाहती है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी द्रव हमेशा एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली मतलब एक्सटेंडेड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। तो ये लिक्विड्स का अपने सरफेस को के क्षेत्रफल को एरिया को मिनिमम रखने की जो टेंडेंसी होती है वो द्रवों में उपस्थित एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है पृष्ठ तनाव, उसके कारण आती है, ठीक है। तो अगर सिंपल शब्दों में पृष्ठ तनाव को हम एक्सप्लेन करना चाहें, बताना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी द्रव का ये वह गुण होता है पृष्ठ तनाव जिसके कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है, अथवा द्रव का जो स्वतंत्र पृष्ठ है, फ्री सरफेस है, वह एक तनी हुई स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। तो द्रव की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव करते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है और इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले कल्पना करते हैं कि एक कंटेनर में हमने लिक्विड को भर लिया और लिक्विड की सतह पर एक लाइन ए बी को इमेजिन कर लिया। ये ए बी लाइन की लंबाई लेंथ मान लेते हैं कि स्मॉल एल है। तो इस लाइन पर उपस्थित जितने भी द्रव के मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, इन सभी मॉलिक्यूल्स पर जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक लेफ्ट साइड की तरफ और इसी पर राइट साइड की तरफ, दोनों आपस में अपोजिट और इक्वल होते हैं और इस लाइन पर लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स एफ काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस मॉलिक्यूल पर दोनों ही तरफ एक तनाव बल महसूस होता है एफ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस लाइन पर उपस्थित सभी मॉलिक्यूल्स अपने लेफ्ट एंड राइट पर लाइन के लंबवत एक तनाव महसूस करते हैं। यही द्रव की सतह पर उपस्थित सभी मॉलिक्यूल्स के साथ यही घटना होती है और सब में एक तनाव बल महसूस होता है। तो ये जो तनाव बल होता है, अगर हम ए बी की लंबाई एल माने हुए हैं तो ये एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल के होता है। तो हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू टी एल हो जाएगा। देन आफ्टर दैट इट बिकम्स टी इज इक्वल टू एफ बाई एल। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पृष्ठ तनाव के डिफिनेशन को पढ़ने के लिए, जैसे ही हमने टी इक्वल टू एफ बाई एल करते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि आप देखिए एल बराबर अगर वन हो जाएगा तो टी बराबर किसके हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा एफ के, ठीक है। तो इसी के आधार पर वी कैन डिफाइन डैट कि किसी भी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा, जैसा कि हमने ए बी माना था, ए बी के एक ओर इसकी एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में और रेखा के लिए लंबवत लगने वाला बल उस द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है, ठीक है।
इसका मात्रक आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एफ का मात्रक हो गया न्यूटन, एल का मात्रक हो गया मीटर, तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है और यह एक अदिश राशि है। और इसके जो डायमेंशन होता है, आप एफ की डायमेंशन रखिए, आप एल की डायमेंशन रखिए और कैलकुलेट कर लीजिए, निकल आएगा। एफ का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, एल एल ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो एम एल नॉट टी माइनस टू इसका डायमेंशन होगा। अब बात आती है कि ये सरफेस टेंशन जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये सरफेस टेंशन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको जान लिया जाए। तो इसका जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बात होती है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर डिपेंडेंस है, वो है नेचर ऑफ द लिक्विड। यानी जो भी लिक्विड है उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इस पर डिपेंड करता है। जैसा कि आपने फॉर्मूले में देखा कि टी इज इक्वल टू एफ बाई क्या है, टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल आया है। तो फॉर्मूले से देख के आप तुरंत कह देंगे कि टी का मान एफ पर डिपेंड कर रहा है, एल पर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। एल जो भी लेंथ है, एल से ही एरिया में भी कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप इसको ये ध्यान रखना है कि हमेशा ये नेचर ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड करेगा, और इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि उस लिक्विड का एरिया कितना है, उसका लेंथ कितना है, जिस लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉट ऑन द एरिया ऑफ द लिक्विड और द कंटेनर, और नॉट ऑन द लेंथ ऑफ द लाइन। थर्ड पोर्शन क्या है, द सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। यानी जो पृष्ठ तनाव है लिक्विड का, वो अगर टेम्परेचर या ताप को बढ़ाया जाता है तो वो कम होता है, ठीक है। तो ये बहुत अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ताप के साथ पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये दूसरा फैक्टर है कि जो कंटेमिनेशन मतलब प्रदूषण, संदूषण का क्या प्रभाव होता है। तो जैसे कभी कभी होता है लिक्विड्स के ऊपर गंदगी जमी होती है, चिकनाई जमी होती है, धूल की परत होती है, तो इस तरह की अगर बात करते हैं हम, इस तरह की कंटेमिनेशन की बात करते हैं कि लिक्विड के सरफेस पर अगर इकट्ठा हो, तो उस केस में जो भी सरफेस टेंशन होता है उसका मान क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। यानी कंटेमिनेशन जितना ज़्यादा होगा सरफेस टेंशन उतना ही कम हो जाएगा। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी कोई भी लिक्विड होता है उसमें कुछ ना कुछ सोल्यूबल एलिमेंट्स होते हैं, सोल्यूबल मतलब कुछ ना कुछ विलेय पदार्थ होते हैं। तो जब ये जो विलेय पदार्थ है, अगर ये टोटली विलेय होंगे, सोल्यूबल होंगे, मोर सोल्यूट होंगे, जैसे कि नमक है, नमक को अगर किसी पानी में घुलाया जाए तो बहुत तेज़ी से घुल जाता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जब जो मोर सोल्यूबल पदार्थ होते हैं उनको डालने पे सरफेस टेंशन का मान इंक्रीज कर जाता है, और जो लेस सोल्यूबल मटेरियल्स होते हैं जैसे कि सोप हो गए, ठीक है, तो इस तरह के मटेरियल्स जो होते हैं वो पानी में घुलते नहीं हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं। तो जब लेस सोल्यूबल मटेरियल पदार्थ को किसी भी लिक्विड में डाला जाएगा तो वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है, और मोर सोल्यूबल पार्टिकल्स जो होते हैं वो सरफेस टेंशन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या अंतरावृत बल क्या होते हैं। तो किसी भी अंतरावृत बल का बेसिकली मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ होता है वो तरह तरह के परमाणुओं अणुओं से मिलके बना होता है, ठीक है। और जब भी कोई भी मटेरियल है, जैसे ये मटेरियल है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इन सारे मॉलिक्यूल्स में सभी मॉलिक्यूल्स का जो आपस में पास के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके ऊपर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स होता, आकर्षण बल होता है, ठीक है। तो यही जो आकर्षण बल होता है इसी को ही हम अंतरावृत बल कहते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, किसी भी पदार्थ के विभिन्न अणुओं के द्वारा आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोपित आकर्षण बल को ही अंतरावृत बल कहते हैं। अब ये अंतरावृत बल जो होता है टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, पहला है ये ससंजक बल, दूसरा है असंजक बल। इंग्लिश में ससंजक बल को कोहेसिव फोर्स कहते हैं और असंजक बल को एडेसिव फोर्स कहते हैं। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको CF और AF नाम दिया है, CF फॉर कोहेसिव फोर्स एंड AF फॉर एडेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स वह बल होता है जो भी किसी भी पदार्थ के इंटरनली मॉलिक्यूल्स पे एक दूसरे के अंदर आरोपित होता है, ठीक है।
इट एक्ट्स विद इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मटेरियल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच काम करते हैं। जैसे पानी की बात हम करते हैं तो पानी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो पानी का ही मॉलिक्यूल पानी के दूसरे मॉलिक्यूल पर जितना बल लगाएगा, जितना आकर्षण बल लगाएगा, वो ससंजक बल कहलाएगा, यानी वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ससंजक बल कहलाएगा। अब जैसे पानी के संपर्क में हम कोई दूसरा मटेरियल ले आते हैं, जैसे तेल डाल दिया हमने पानी के ऊपर, तो पानी के मॉलिक्यूल और तेल के मॉलिक्यूल के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, जो भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स काम करेगा, वो कहलाएगा असंजक बल या एडहेसिव फोर्स कहलाएगा। ठीक है, इट एक्ट्स विद इन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट मटेरियल, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच काम करने वाला बल होता है ये। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखना चाहें तो ससंजक बल का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, जैसे ठोस के अणुओं के बीच, जैसे कोई भी ठोस ले लिया, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास में कॉम्पैक्ट होते हैं, तो उनमें जो भी आपस में लगने वाला फोर्स होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बेसिकली, वो क्या होता है, कोहेसिव फोर्स होता है। और जो एडहेसिव फोर्स है, इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल आप देखिए, जल और कांच के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, गोंद और कांच के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। एग्जाम्पल्स और भी हैं, जैसे जब हम ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड के मॉलिक्यूल और चौक के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जब हम पेन से कॉपी पर लिखते हैं तो कागज़ के मॉलिक्यूल और पेन के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो होता है। ठीक है, तो इसी एडहेसिव फोर्स की वजह से क्या होते हैं, तो दूसरे मटेरियल के मॉलिक्यूल हैं वो चिपक जाते हैं पहले मटेरियल पर, और इसी कारण से जैसे लिखावट है कागज़ पे हम देख पाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर जो चौक लिखी से लिखावट होती है उसको देख पाते हैं हम लोग, जहाँ जहाँ पे चौक चलता है प्रेशर लगता है, तो चौक के मॉलिक्यूल और ब्लैक बोर्ड के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटर एटॉमिक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट हो जाते हैं और चौक के मॉलिक्यूल्स ब्लैक बोर्ड पर चिपके रहते हैं। ठीक है, एडहेसिव आपने जनरल भाषा में सुना होगा कि किसी चीज़ को चिपकाने का काम करना है, एडहेसिव वहीं से इसका नाम आया है कि एडहेसिव का काम करता है, यानी जब भी एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग होता है एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल के रेस्पेक्ट में, तो वो वाला जो पहला मटेरियल जिसका एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग एज कम्पेयर टू द अदर मटेरियल, वो दूसरे मटेरियल के मॉलिक्यूल को अपने अंदर चिपका लेगा। तो ये होता है एडहेसन का कमाल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि नोट करने की ज़रूरत है कि अगर सी एफ इज ग्रेटर देन ए एफ, मतलब कॉम्प्लीमेंट जो कोहेसिव फोर्स है अगर एडहेसिव फोर्स से बड़ा होगा तब क्या होगा, तो उस केस में कोहेसिव फोर्स बड़ा होने की वजह से एडहेसिव फोर्स से बड़ा होगा तो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणु आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, और जब कोहेसिव फोर्स लेस देन एडहेसिव फोर्स होगा तो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणु आपस में चिपक नहीं पाते। दोनों का एग्जाम्पल अगर देखना चाहें हम तो कांच के ऊपर अगर हम पानी डालते हैं मान लीजिए, तो उस केस में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स जो होता है कांच के अणुओं का कोहेसिव फोर्स, कांच और जल के अणुओं के बीच लगने वाले एडहेसिव फोर्स से कहीं अधिक होता है, इस वजह से जल के मॉलिक्यूल्स कांच पर चिपक जाते हैं। इसके अगेंस्ट अगर हम ये देख लें कि कांच के ऊपर पारा डाला गया, ठीक है, तो उस केस में कांच के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो कोहेसिव फोर्स है, ससंजक बल है, वो छोटा हो जाता है कांच और पारे के बीच लगने वाले मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले एडहेसिव या असंजक बल से। ठीक है, कांच और पारे की बात करें तो उस समय ससंजक बल छोटा हो जाता है असंजक बल से। ठीक है, तो उस कारण से मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक नहीं पाते हैं। तो ये आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव का डिपेंडेंस क्या है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, क्या होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और कितने प्रकार के होते हैं, किन मटेरियल्स के बीच में काम करते हैं। तो दैट्स इट, तो ये आज का लेक्चर ख़त्म। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।